उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पर यमुना नदी किनारे रामपुर घाट में वन काटुओं ने खैर के 26 पेड़ काट दिए। इससे पहले कि लाखों के और पेड़ कटते, वन विभाग की टीम ने रेड डाल दी, लेकिन वन काटुओं ने निहत्ते वन कर्मियों पर फायरिंग कर दी और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। हालांकि इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने मौके पर पकड़ी लकड़ी व ट्रक सीज कर लिए हैं। काटे गए 26 पेड़ों की कीमत 5 लाख से भी ज्यादा है। 26 पेड़ मौका पर ढूंढ लिए गए हैं और इस केस में पुलिस को भी इतला कर दी गई है। मौके पर छानबीन जारी है। वनखंड अधिकारी पौंटा ने बताया है कि चोरों ने भागते हुए उन पर फायरिंग भी करने की कोशिश की है और इस ट्रक के पकड़े जाने से विभाग को उम्मीद है कि जल्दी ही इस गिरोह का पर्दाफाश हो। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए पौंटा साहिब से दिनेश पुंडीर की रिपोर्ट।